तो आरटीआई में माहिती मांगीने रूपिया पड़ावनारने कोर्ट में रजू करवामां आव्युं छे। सीआईडी क्राइमे आरोपी महेन्द्र पटेल ने कोर्ट में रजू कर्युं। आरोपी महेन्द्र पटेल सीआईडी क्राइम डिमांड मांगशे, तो हवे आरोपी ने कोर्ट में रजू करवामां आव्युं छे। तो जे प्रकारे शाळाना ट्रस्टीओने ब्लेकमेल करी कोर्ट में रजू करवामां आव्यो छे, आरटीआई में माहिती मांगीने रूपिया पड़ावनारने कोर्ट में रजू करवामां आव्यो छे। समग्र मामलो छे ते सामे आव्यो छे, मां करोड़ोनुं कौभांड छे ते पण सामे आवी शके छे। महेन्द्र पटेल घरे सीआईडी क्राइम द्वारा दरोड़ा पण पाड़वामां आव्या हता, कारण के समग्र मामलो छे शाळाओना ट्रस्टीओने ब्लेकमेल करतो हतो ने रूपिया पड़ावतो हतो। संवाददाता अपूर्व फोनलाइन पर जोड़ाया छे। अपूर्व, जे प्रकारे समग्र मामलो छे ते थोड़ीवार पहेला सामे आव्यो, आरटीआई में माहिती मांगीने रूपिया पड़ावतो हतो, ट्रस्टीओने ब्लेकमेल करतो हतो, आरोपी ने कोर्ट में रजू करवामां आव्यो छे, शुं विगतो? जी, वात करीए तो गांधीनगर नो महेन्द्र पटेल नामनो व्यक्ति जे शाळा संचालको पर मंजूरी विषे आरटीआई करी विगतो मांगी ने तोड़ करतो तेवा आरोपो लाग्या छे। सीआईडी क्राइम ब्रांचे तेनी धरपकड़ करी छे અને સુરતના સ્કૂલ સંચાલક છે કે જેને ફરિયાદ કરી છે કે તેના પાસેથી તેને 55 લાખ રૂપિયા જેટલા પડાવ્યા, તેમજ સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેમના ઘરે તપાસ કરી તો જેમાં તેમના ત્યાંથી 1 કરોડથી પણ વધુની રકમ મળી આવી હતી। અત્યારે તેને જજના સમક્ષ હાજર કરવામાં આવ્યા છે અને રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી છે। થોડી જ વારમાં તેમાં રિમાન્ડ વિશેની જાહેરાત કરવામાં આવશે। બિલકુલ બિલકુલ અપૂર્વ જાણકારી બદલ આભાર।